तो बड़ी खबर रायपुर से है। दरअसल कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। बैठक शाम 4:30 बजे से होगी शुरू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास में आयोजित है ये बैठक। विधानसभा के विशेष सत्र पर ये चर्चा होगी, जिसमें 2 और 3 अक्टूबर को होने वाला है विशेष सत्र। तो बड़ी खबर रायपुर से जो है, बैठक शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में जाहिर तौर पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, और लगातार हमारे संग हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसा कि इस विशेष बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? हाँ, देखिए 2 और 3 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, और इसी सिलसिले में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 4:30 बजे से मुख्यमंत्री निवास में होने जा रही है। इस बैठक में सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा ज्योति कर्मा, जो अभी दंतेवाड़ा की सीट से जीत कर आई है, उपचुनाव वहां पर हुआ था, उनका वहां पर अभिवादन किया जाएगा, उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा, और एक तरीके से फिर बैठक की जो औपचारिक शुरुआत है वो होगी। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, 150वीं जयंती, उसकी जो कांग्रेस है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। तो उसी सिलसिले में जो सत्र आयोजित वहां पर किए गए हैं, तो बैठक में ये तय किया जाएगा कि किस संदर्भ में बात की जानी है। इसके अलावा विधायकों को भी निर्देश दिया जाएगा कि तमाम जो विधायक हैं वो अपनी अपनी बात गांधी जी के बारे में रखें, क्योंकि गांधी जी को लेकर लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि उनके पदचिन्हों पर कांग्रेस चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। तो विधायकों को सीधा निर्देश ये दिया जाएगा कि वो भी वहां पर स्पष्ट रूप से अपने जो विचार हैं वो वहां पर रखें, और एक तरीके से अलग अलग जो जिम्मेदारी है वो सभी विधायकों और मंत्रियों को बांटी जाएगी। और सबसे खास, मैंने पहले ही बताया था कि सभी जो विधायक हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो एक साथ कुर्ते पजामे में नजर वहां पर आने वाले हैं, और ऐसा दृश्य पहली बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा में देखने को मिलेगा। दूसरा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।